हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होली का त्यौहार बिना रंग के और बिना गुजिया के अधूरा है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं चाशनी वाली गुजिया की रेसिपी, जो बिल्कुल मार्केट के जैसे बनके तैयार होंगी, एकदम खस्ता होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुजिया बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप मैदा, 1/2 कप देसी घी। मैं यहाँ पर गाय का देसी घी ले रही हूँ, और हो सके तो घी को मेल्ट करके ही डालें। ये देखिए, हम इसकी मुट्ठी बना रहे हैं तो इजीली मुट्ठी बन रही है। इसका मतलब हमने जो घी डाला है वो परफेक्ट है, और इससे हम जो गुजिया बनाएंगे वो एकदम खस्ता बनेंगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। आप ध्यान रखिए कि इसका डो ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा पानी ना डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। ये देखिए, हमारा डो बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हम गुजिया के लिए बना लेते हैं चाशनी। उसके लिए मैंने लिया 1 कप चीनी और 1 कप ही मैंने लिया है पानी। हम यहाँ पर 2 तार की चाशनी बनाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई कर रखा है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केसर के थ्रेड्स। अगर आपको गुजिया में कलर चाहिए तो आप केसर डाल दें, अदरवाइज इसे स्किप कर दें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 ड्रॉप्स नींबू का रस। इससे जो चीनी में क्रिस्टल बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे, और हमारी चाशनी एकदम से परफेक्ट बनेगी। मैं जब भी चाशनी बनाती हूँ उसमें नींबू का रस ज़रूर डालती हूँ। चाशनी बनाते हुए हमें 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे 2 तार की चाशनी बनी है कि नहीं। ये देखिए, हमारी चाशनी बन गई है। बस हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम गुजे की स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने गैस पर रख दी एक कढ़ाई, और मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है, और इसके अंदर हम डाल देंगे मावा। ये वही मावा है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जिन लोगों ने भी मेरा इंस्टेंट मावा का वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लें, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हमें यहाँ पर खोए को 1 से 1.5 मिनट तक ही पकाना है। बस हमें इसका थोड़ा सा कच्चापन निकालना है और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। ये देखिए, मावा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब मैंने गैस पर रख दी फिर से वही कढ़ाई, और मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखा है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून घी। घी को मेल्ट होने देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून सूजी। सूजी को हम रोस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप मावा लिया है, तो उसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ 4 बड़े चम्मच सूजी। आप चाहे तो गुजिया को बिना सूजी के भी बना सकते हैं मावे से ही, बट हमारे यहाँ पर मावे के साथ थोड़ी सी सूजी भी ऐड की जाती है, इसलिए मैं आपको सूजी के साथ वाली गुजिया बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, सूजी का कलर चेंज हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और उसे डाल देते हैं एक बाउल में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू, कटे हुए पिस्ता और कटी हुई किशमिश। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर दें, और इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि आप पिसी हुई चीनी या फिर बूरा, आप जो भी इसमें ऐड कर रहे हैं वो इसको ठंडा होने के बाद ही ऐड करें। अभी सूजी थोड़ी गर्म है, इसलिए मैंने इसमें अभी शक्कर ऐड नहीं की है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो स्टफिंग बनाई थी वो अब ठंडी हो चुकी है, और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पिसी हुई चीनी। आप चीनी की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 कप ले रही हूँ, और आप चीनी की जगह यहाँ पर बूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी गुजे की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। और देखिए, हमारे डो ने भी रेस्ट कर लिया है। हम इसे एक बार और मल लेते हैं।
और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। अब हम एक पेड़ा ले लेते हैं और इसकी पूड़ी बना लेते हैं। थोड़ा सा घी लगा देते हैं। ये देखिए पूड़ी हमने बेल ली है। अब हम इसके किनारों पे पानी लगा देते हैं। और इसके बीच में हम रख देते हैं स्टफिंग जो हमने तैयार की है। मैं यहाँ पर 2 छोटे चम्मच रख रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना रखें, अदरवाइज जब हम फ्राई करेंगे तो ये गुजिया फट सकती है। अब हम इसको लेके इस तरह से कवर कर देते हैं और इसको किनारों पे इस तरह से पुश कर देते हैं जिससे हमारी गुजिया चिपक जाए। ये देखिए इस तरह से आप उंगलियों से करें तो इजीली ये चिपक जाएगा। ये देखिए हमने गुजिया में स्टफिंग कर दी है। अब हम इसकी डिजाइन बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, पिंच करना है और पुश करना है, पिंच करना है और पुश करना है। बस यही प्रोसेस हमें करना है और इसे रिपीट करते रहना है, पिंच एंड पुश, पिंच एंड पुश। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। ये देखिए हमारी गुजिया बनके रेडी है। इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी गुजिया बना ली है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने गैस पर रख दी कढ़ाई और उसके अंदर मैंने डाल दिया रिफाइंड। मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है। ये ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, हमें ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम इसके अंदर हमारी गुजिया डाल देंगे। हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गुजिया बाहर से सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और एक साथ कढ़ाई में हमें ज़्यादा गुजिया नहीं डालनी है वरना ये अच्छे से सिक नहीं पाएंगी। ये देखिए अब हम इन्हें पलट देते हैं। मैंने इनको बिल्कुल धीमी गैस पर सेका है ताकि ये खस्ता बने गुजिया। आप भी इसी तरह से इन्हें फ्राई करें, गैस का फ्लेम यहाँ पर लो ही रखें। ये देखिए गुजिया फ्राई हो चुकी है, एकदम खस्ता ये बन चुकी है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से एकदम खस्ता सिकी है ये। अब हम बाकी गुजिया को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब हम गुजिया को चाशनी में डाल देंगे। चाशनी एकदम ठंडी हो चुकी है। इसे डालेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे हम बाकी गुजिया को भी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने गुजिया को एक प्लेट में सर्व कर लिया है। अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो आप इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दें, अदरवाइज स्किप कर दें। और गार्निशिंग के लिए डाल देंगे थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता। तो देखिए हमारी गुजिया बनके रेडी है। कितनी अच्छी ये गुजिया लग रही है, बिल्कुल मार्केट के जैसी लग रही है, साथ में एकदम खस्ता बनी है। मैं आपको एक तोड़ के भी बताती हूँ कि अंदर से कितनी खस्ता बनी है। ये देखिए कितनी बढ़िया ये गुजिया बनी है।
अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली।